ओम शांति। हमारे संपूर्ण ज्ञान का स्वरूप हमारे गुणों और हमारे कर्मों से दिखाई देता है। यदि किसी ने संपूर्ण ज्ञान भी लिया हो और वे सेवाओं के फील्ड में भी बहुत अग्रणी हो, परंतु उनका जीवन, उनके कर्म, उनके स्वभाव संस्कार श्रेष्ठ न बने हो, तो कोई भी मनुष्य उन्हें ज्ञानी नहीं मानेगा। प्रसिद्ध है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात जो सत्य है उसी से जीवन सुंदर बनता है और उसी से सबका कल्याण होता है। जिससे जीवन सुंदर न बना हो तो समय लेना चाहिए कहीं ना कहीं असत्य है। जिससे जीवन में कल्याण न हुआ हो तो समय लेना चाहिए हम संपूर्ण सत्य के मार्ग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाना है अपने श्रेष्ठ कर्मों से। कर्म मनुष्य अपने संस्कारों के और विचारों के और बुद्धि के आधार से करता है। किसने बुद्धि में कैसा विवेक भरा है, विजडम भरी है, कैसे उसके संस्कार बने हैं, इन चीजों के आधार से मनुष्य के कर्म होते हैं। हम अपने को चेक करेंगे, हम पुण्य आत्मा बन गए हैं, हमारे कर्म ऐसे तो नहीं जिसे देखकर लोग उंगली उठाते हों, क्या हमारे कर्म संपूर्ण सुखदायी हैं, क्या हमारे कर्म संपूर्ण परोपकार के लिए हैं, क्या हम ईमानदारी से संसार में जीते हैं, या धन के लोभ से हम पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं। सबसे बड़ा पाप तो अपवित्रता ही है, जिसे भगवान ने कहा ये काम महाशत्रु है और सभी पापों का मूल भी है। जब आत्मा बहुत पवित्र बन जाती है तो उसकी भावनाएं, उसके बोल, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसके वाइब्रेशन सभी अति श्रेष्ठ हो जाते हैं। अर्थात उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म भी प्रेरणा योग्य बन जाता है। तो हम चेक करेंगे आज कि हमसे कोई ऐसा कर्म तो नहीं होता जो बाबा की डिसर्विस कराता हो, हम कहीं क्रोध वश दूसरों को बुरा भला तो नहीं बोल देते, स्थिति तो नहीं बिगाड़ देते, कहीं वातावरण को भारी तो नहीं कर देते हैं, क्योंकि हमें देखने वाली हजारों लाखों करोड़ों आंखें हैं। हम अब अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम जी रहे हैं सारे संसार के लिए। संसार की आत्माएं हमें आदर्श मानती ही हैं, भले वे विरोध भी करते हों, वो ज्ञान को स्वीकार न करते हों, पर वे अंदर अवश्य समझते हैं कि इनका जीवन ही महान होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम लोगों की भी भावनाओं को सार्थक सिद्ध करें। ऐसा न हो लोग हमें ऊंची दृष्टि से देखते हों और हम वैसी स्थिति में न हो तो लोग हमें ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो आइए हम अपनी एक्टिविटी, हमारी बोलचाल और अपने व्यवहार को ऐसा सुमधुर बनाएं, ऐसा सुखदायी और कल्याणकारी और निर्मल करें ताकि हमारे कर्मों की छाप दूसरों पर पड़ती रहे। हमारे चित्त में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष और अशुभ भावना भी न हो, सब आगे बढ़ रहे हों हम अप्रिशिएट करें, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हों उन्हें बढ़ाने का उमंग उत्साह दिलाएं, प्रेरणा दें, सिखाएं, तो ये हमारी महानताएं होंगी जो दूसरों पर अमिट छाप छोड़ेगी। हमारे कर्म ही दर्पण है हर चीज का। इस दर्पण को बिल्कुल स्वच्छ कर लें और इस दर्पण को इतना स्वच्छ कर लें कि लोग इसमें भगवान को देख सकें। तो आइए आज सारा दिन हम एक सुंदर अभ्यास करेंगे। हमारे एक ब्रह्मा माँ ऊपर देखेंगे,
उनके मस्तक से शीतल किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं। दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य बाप जिनसे शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं, और पांच बार, एक बार में पांच बार ये अभ्यास करेंगे तो अनुभव अति सुंदर होंगे, और ऐसे अभ्यास दिन में 5-7 बार अवश्य हों। बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।